यार इसमें ड्रिप पट्टी पे ही नहीं है। ये जी ये पट्टी है स्कूनी भाई से ये कटया ना ड्रिप पट्टी ऐसा सेंटर बार कटया ना ये बारी पंदी गई है ना बारी की तोड़या रखे थोड़ा शीशा भी तोड़या ये शीशा तोड़या कहां जाके क्या होया कहां बंदा अंदर सरिया पाया अंदर आमने चांसेस नहीं ऐसे जी बाहर वो सरिया अगर मैं पहना अंदर अंदर आमने चांसेस नहीं कोई नशे बनना मतलब सरिया पाया सरिया पाने वाली इतना जा रहा है कुछ नशे अंदर ये हालात क्या हो ये पूरे मकान खत्म हो गए तुम कौन सा ये सारा ये इधर आ गए एक्स सरपंच मोहम्मद शबीर आपसे महात्म हुआ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मौका पर यहाँ आए और यहाँ मौका के हालात देखी। तो हमारे यहाँ एक एक्स हवालदार नसीर साहब हैं, उनके घर में सिलेंडर की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही बर्बादी हो गई है। तो हम तमाम लोग इस गांव के इस पंचायत के सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस एरिया में कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से रजौरी से आने में 2 घंटे लगते हैं। दो घंटे में तब तक किसी आदमी की जिसको आग जहां लग जाती है, किसी के घास को लग जाती है, किसी मकान को लग जाती है, तब तक वो सारा राख हो जाता है, तब हमारी गाड़ी पहुंचने की क्या होती है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फायर ब्रिगेड वालों का जो इन टाइम आकर यहाँ बहुत जल्दी इतना क्विक एक्शन किया इस वक्त आज की डेट में कि मैं उसकी कोई भी तारीफ करने से गुरेज नहीं करूंगा। और क्विक एक्शन करके और मौके पर पहुंच के आग को बुझा कर बुझाने के बाद इस वक्त यहाँ शांति है, लेकिन मकान की तबाही बहुत हो चुकी है। उस मकान के अंदर कुछ रहने के काबिल नहीं रहा उस आग की वजह से। किचन का जितना सामान था, जितना को अंदर था, वो तो सारा ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ मोहल्ले वालों ने भी बड़ी कोशिश की, एक हमारे यहाँ के मैकेनिक साहब हैं जिन्होंने आग बारी तोड़ी, तो तोड़ने की वजह से उन्होंने वो डालकर सरिये की कुंडी और डालकर उसको निकाला, तो तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई, जिसकी वजह से हमारा यहाँ बचाव हो गया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि दरहाल ब्लॉक में दरहाल तहसील में कई बार डिमांड हो चुकी है, फाइल भी बनी हुई है, लेकिन आज तक हमें गाड़ी नहीं दी जा रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और DC साहब से गुजारिश करते हैं कि फिलफोर दरहाल के लिए एक गाड़ी जो है वो दें, ताकि हमारे इस एरिया का बचाव हो सके। शुक्रिया।